गौतम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा घट्टिया क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवीय व पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम शामिल हुए। 15 दिनों से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में 30 टीमों ने भागीदारी की। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम द्वारा पारी खेलकर फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया गया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। उसके बाद पुरस्कार वितरण का आयोजन में प्रथम विजेता टीम बोरू मुंडला को विधायक रामलाल मालवीय एवं विजय सिंह गौतम द्वारा 21,000 व शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार को 11,000 रुपए व शील्ड देकर महाकाल स्पोर्ट विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। विधायक ने दोनों टीमों को शुभकामना दी, साथ ही कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर करने से उत्साह का माहौल बना रहता है और खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ती है। आगे विजय सिंह गौतम ने भी संबोधित किया और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए ग्रामवासियों व समिति को आयोजन के लिए शुभकामना दी। कार्यक्रम में किशन सिंह चंदेल, लोकेंद्र सिंह राणा, दीपक मालवीय, अभिषेक राठौर, राहुल मंडलोई, कौशल गरासिया, अनवर मंसूरी व जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। फरवरी से लगातार अलग अलग टीमें यहाँ खेल रही थी। आज दोनों टीमें विजेता और उपविजेता टीम को हम लोगों ने अभी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पुरस्कार दिया है। मैं दोनों टीमों को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिन जिन खिलाड़ियों ने अपने खेल के माध्यम से अपना प्रदर्शन किया, उन सभी को मैं बहुत ही बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे युवाओं में जोश आएगा, उनमें आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलेगा। साहब के द्वारा ही हम लोगों को एक हौसला वर्धन किया गया और ये कहा गया कि निश्चित रूप से साहब का ये हमेशा प्रयास रहता है, हमारे माननीय विधायक जी का, कि युवाओं को किस तरह ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाए, किस तरह से हमारे गांव की प्रतिभाओं को उकेरा जाए, हमारे गांव के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रणजी खिलाया जाए, कैसे उनको चैलेंजर खिलाया जाए, कैसे उनको नेशनल खिलाया जाए, ऐसा प्रयास करने का प्रयास करते हैं हमारे विधायक जी। और ये घटिया विधानसभा के लिए हमारे गौरव का विषय है कि आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, किस तरह से आप हमारे किसान के बच्चों को, उन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो आपके द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ आप हमेशा हम लोगों के लिए विभिन्न ऐसे समय में जहां पर आपके पास समय नहीं होता है, तब भी आपको हमें समय प्रदान करते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं।